Assalamu alaikum everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. And our today's topic is about how to start your fashion business. Actually, हमने एक live Zoom session रखा था अपने students से interaction के लिए, ताकि हमारे students को जो भी confusion है fashion designing हमारे course से related, उनको जो भी कोई confusion है तो वह अपनी confusion को clear कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर उन्हें हमसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं. इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस करना था कि हम अपना फैशन बिजनेस जो है, अपना फैशन करियर का आगाज़ कैसे कर सकते हैं. लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पाकिस्तान में नेट का जो है वो बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे लाइव सेशन में बहुत सारे जो है वो इशूज़ आ गए थे. जैसे कि कोई ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा था, किसी को जो है वो आवाज़ नहीं पहुँच पा रही थी सही, किसी की वॉइस ब्रेक हो रही थी, किसी को ज्वाइनिंग का मसला हो रहा था. तो उसकी वजह से हमने अपने लाइव सेशन को एंड कर दिया और हमने सोचा कि हम अपनी जो है इसी तरीके से अपनी क्लास को रिकॉर्डेड अपनी क्लास को जो है वो रिकॉर्ड करके और फिर आप लोगों के लिए जो है वो हम अपलोड कर दें. तो जी जल्दी से हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी फैशन क्या है. ठीक है, ऑफकोर्स हम अगर फैशन बिजनेस को स्टार्ट करने लगे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फैशन क्या है. तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबके माइंड में, आप हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सबके माइंड में क्या है कि आप सबको क्या लगता है कि फैशन क्या है. आप सबके माइंड में जो भी चीज़ आए, जो भी डेफिनेशन आए फैशन की, आप वो नीचे कमेंट्स में हमें लिख दें. तो जी हम फैशन को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. फैशन अगर हम देखते हैं कि एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगर मैं कस्टमर हूँ और मैं जो है फैशन करना चाहती हूँ, मैं स्टाइलिंग करना चाहती हूँ, तो मैं एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो फैशन क्या है. फैशन मेरी अपीयरेंस है, फैशन वो स्टाइल है जो मेरी पर्सनालिटी को जाहिर करे. ठीक है, एक तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये बन गया. दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है एक फैशन डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम एक फैशन डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि फैशन क्या है, तो फैशन आपकी स्किल है, आपकी क्रिएटिविटी है. इट्स जस्ट अ गेम ऑफ योर क्रिएटिविटी. आपके माइंड में जो भी क्रिएटिव आइडियाज हैं, आप उन्हें पेपर पे उतारे, आप उन्हें फैब्रिक पे उतारे, और ये आपका फैशन. तो हमने ये तो देख लिया कि फैशन क्या है, एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक फैशन डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो जी अब हम इस बारे में बात करते हैं कि अपना फैशन बिजनेस जो है वो हम कैसे स्टार्ट करें. बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि फैशन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ही एक हैवी अमाउंट की जरूरत होती है, हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है. और साथ ही लोगों के माइंड में ये भी होता है कि जी आपकी अपनी शॉप होगी तो ही आप जो है अपना क्लॉथिंग ब्रांड या फिर बुटीक स्टार्ट कर पाएंगे. लेकिन ये सब जो है ये एक लोगों की तरफ से, लोगों के माइंड में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है. आप लोग अपने जो ब्रांड है, अगर आप लोग अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना क्लॉथिंग ब्रांड या फिर बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे कि आप लोग हमारा ब्रांड भी देख सकते हैं, एस कलेक्शन बाय हादी आमिर. तो हमारा ब्रांड जो है वो एक ऑनलाइन क्लॉथिंग ब्रांड है. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि हमने बहुत सारे भी प्रोजेक्ट्स भी हैंडल किए हैं, तो बहुत सारे वो क्लॉथिंग ब्रांड आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, जो कि ऑनलाइन अपना ब्रांड जो है रन कर रहे हैं. तो उनकी कोई जो है वो एक आउटलेट नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन अपना ब्रांड रन कर रहे हैं. और स्टार्ट कैसे करें, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए सिर्फ आपको जो है अपने आइडियाज़, आपके माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ होने चाहिए. आप रिसर्च करें जिसके ज़रिए आपको आइडियाज़ जो है वो मिल सकते हैं. आपके दिमाग, आपको क्रिएटिविटी आनी चाहिए. और इसके अलावा आपके पास फैब्रिक होना चाहिए, आपके पास एक अदद स्विंग मशीन होनी चाहिए, और एक अदर आपके पास फोन होना चाहिए, जिससे जो है आप अपना क्लॉथिंग ब्रांड या अपना फैशन बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. तो अभी तो हमने ये सिर्फ एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन देख लिया कि हम अपने फैशन बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, लेकिन हम इसे फर्दर डिटेल में जाके देखते हैं कि हमें एज अ फैशन डिजाइनर एक ब्रांड रन करने के लिए किन किन और स्किल्स की जरूरत होती है, जो कि फैशन या डिजाइनिंग के अलावा हमें और किन स्किल्स की जरूरत होती है. तो ये हमने आप तक के लिए एक जो है डायग्राम बनाया हुआ है. अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने जो करा हुआ है वो है फैशन. ऑफ कोर्स हमने फैशन को देखा है एक स्किल की नज़र से और एक क्रिएटिविटी की नज़र से. उसके बाद हम डिस्कस करने वाले थे कि फैशन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए
आपको किन स्किल्स की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको आपके अंदर जो स्किल होनी चाहिए एज अ फैशन डिजाइनर, एज अ ओनर ऑफ योर ओन क्लॉथिंग ब्रांड, आपको फैशन सेंस होनी चाहिए कि किस बॉडी टाइप पे क्या चीज अच्छी लग सकती है। इसके अलावा कौन से सीजन में आपके कौन से कलर्स इन होने हैं, कौन से ट्रेंड में है, कौन से ट्रेंड में नहीं है, कौन सा फैब्रिक यूज होना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑफकोर्स डिजाइनिंग का पता होना चाहिए कि आपने किस डिजाइन को कैसे बनाना है, कैसे उसको लेकर चलना है। और इसके अलावा आपको इलस्ट्रेशन या स्केचिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने टेलर्स को अगर आप देते हैं अपने डिज़ाइन, तो ऑफकोर्स आपको किसी फॉर्म के अंदर उनको देने होंगे। आप ऐसे ही जाके उनको नहीं बता सकते हैं कि जी हमें ये डिज़ाइन चाहिए। आप उसे आप अपने टेलर्स को जो है या तो इलस्ट्रेट करके या फिर एक डिटेलिंग स्केच के जरिए जो है आप अपने डिज़ाइन को सामने रख सकते हैं अपने टेलर्स के, उनको बता सकते हैं कि आप किस तरह का डिज़ाइन चाह रहे हैं। इसके अलावा आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि एज अ फैशन डिजाइनर आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि जी मुझे सिर्फ फैशन सेंस हो, मुझे सिर्फ डिजाइनिंग की सेंस हो तो मैं जो है अपना क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट करने लग जाऊं। अगर आप अपना स्टार्टअप खुद करने लगे हैं, आपके साथ कोई बड़ी टीम नहीं है, क्योंकि जब आप एक स्टार्टअप करते हैं तो आपके साथ एक टीम नहीं होती है। आप उस टाइम इस पोजीशन पे नहीं होते हैं कि आप जो है फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भी हायर करें, आप जो है सोशल मीडिया मैनेजर हायर करें, आप जो है इलस्ट्रेटर हायर करें, यानी आप अपनी पूरी एक टीम जो है वो डेवलप करें। आप इस पोजीशन में नहीं होते हैं जब आप एक जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो ऑफकोर्स आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए कि किस तरीके से आपने अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से आपने अपने डिज़ाइन को अपने टेलर से अपनी टीम के साथ अपने वर्कर्स के साथ जो है वो उनको समझाना है, उनको बताना है। ऑफकोर्स और ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये आपकी आगे कोलैबोरेशन फर्दर कोलैबोरेशन में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल लाजमी आनी चाहिए। इसके अलावा आपको इंग्लिश लैंग्वेज लाजमी आनी चाहिए। आपकी बेशक जो भी लैंग्वेज है, आप उर्दू में बात करते हैं, आप हिंदी में बात करते हैं, आप पंजाबी में बात करते हैं, आपकी जो भी जुबान है आप उसमें बात कीजिए। और मैं बल्कि ये कहती हूँ कि आपकी जो भी नेशनल लैंग्वेज है आप उसको ज़्यादा यूज़ कीजिए, लेकिन आपको इंग्लिश लैंग्वेज लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर मैं किसी क्लाइंट से डील कर रही हूँ जो कि चाइना से हैं, तो ऑफकोर्स मुझे चाइनीज नहीं आती है। अब मुझे अगर उनके साथ डीलिंग करनी है तो मैं किस तरीके से करूँगी। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो डील करवाती है आपके लिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जब आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखिए। अगर तो आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती है तो आप सबसे पहले बेसिक इंग्लिश को सीखिए। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप बिजनेस इंग्लिश को सीखिए। बेटर यही है कि आपको दोनों बेसिक और बिजनेस दोनों तरह की इंग्लिश आती है। उसके अलावा फिर आपको आनी चाहिए सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया का यूज़ आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सोशल मीडिया की कौन सी ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे उसमें अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है, कैसे उसके अंदर आपने पोस्टिंग करनी है, किस टाइम पोस्टिंग करनी है, क्या हैशटैग्स यूज करने हैं, क्या किस तरीके से उसको मैनेज करना है, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। इसके अलावा ऑफकोर्स आपको प्राइसिंग का पता होना चाहिए कि आपने किस आर्टिकल की क्या प्राइस रखनी है, आपको प्राइसिंग का भी पता होना चाहिए। प्राइसिंग के लिए जो है वो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अपनी प्राइसिंग को लेकर। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं जैसे कि ब्रांड्स पे, बड़े बड़े ब्रांड्स पे आप देखते हैं 30% सेल, 50% सेल, 75% सेल। इसी तरीके से आप डिफरेंट ऑफर्स जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट ऑफर्स के जरिए आप एक्सपेरिमेंट्स करें और देखें कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा अवेल करते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि आपने अगर अपना फैशन बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप सबसे ज़्यादा रिसर्च कीजिए। आप ये सर्चिंग करें कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा, कौन सा डिज़ाइन जो है वो ट्रेंडिंग में है, कौन सा डिज़ाइन जो है वो आउट ऑफ ट्रेंडिंग हो चुका है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अवेल करें, उन्हीं डिज़ाइंस के ऊपर फोकस करें जो कि ट्रेंडिंग में हो, क्योंकि हम फैशन डिज़ाइनर्स जो हैं वो ट्रेंड सेटर्स भी होते हैं। जैसा कि अगर आपको मालूम हो कि हम फैशन डिज़ाइनर्स ट्रेंड को भी सेट करने वाले होते हैं, यानी आप बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस को देखते हैं जो कि आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद
वो डिजाइन दोबारा से ट्रेंड में आने लग जाते हैं, वो डिजाइन आपको दोबारा से मार्केट में दिखने लग जाते हैं। इसकी एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, वो है एक मूनलाइट फैब्रिक। मूनलाइट फैब्रिक जो कि बहुत पुराने जमाने से यूज होता आ रहा है, पहले जमाने में वो यूज होता था फैब्रिक, ठीक है, उसके बाद वो आउट ऑफ ट्रेंडिंग हो गया। लेकिन अगर आप आजकल अपने मार्केट में देखें, अपने आसपास देखें, तो आपको वो मूनलाइट फैब्रिक फिर से एक बार ट्रेंड में दिखाई देगा। तो जरूरी ये नहीं है कि आप पूरा फोकस अपना जो है उन आर्टिकल्स या उन डिजाइन पर करें जो कि ट्रेंडिंग में हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोट सेट्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, ठीक है, तो आप उन पे भी फोकस करें, लेकिन आप उन चीजों पर भी फोकस करें जो कि आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं, और कोशिश करें कि उन आउट ऑफ ट्रेंडिंग चीजों को ट्रेंड में लाने की कोशिश करें। ट्रेंड बनता कैसे है, इस बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, ट्रेंडिंग आप कोई भी चीज देखते हैं, ट्रेंडिंग है, म्यूजिक देखा ट्रेंडिंग है, डिजाइन देखा जी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो वो ट्रेंड बनता किस तरह है? वो ट्रेंड इसी तरीके से बनता है कि एक बंदा ये चीज देखता है कि हाँ यार ये चीज जो है मेरे कस्टमर्स को या मेरे इर्द गिर्द के लोगों को बहुत पसंद आई, चाहे वो पहले जमाने के हो। फिर वो बंदा क्या करता है कि वो उस चीज को उठाता है और उस चीज को जो है वो मार्केट में ले आता है। मार्केट में लाने के बाद, मार्केट में पब्लिश करने के बाद, दूसरा बंदा वो चीज देखता है और उस चीज को अवेल कर लेता है। वो देखता है कि हाँ यार इस चीज पे तो बड़ा लोग आ रहे हैं, ये चीज एक बड़ी यूनिक सी है, चाहे ये पुराने जमाने की है लेकिन ये यूनिक सी है, तो वो उस चीज को अवेल कर लेता है। उसको देखकर तीसरा बंदा, तीसरे बंदे को देखकर चौथा बंदा, और इसी तरीके से एक चेन बनती चली जाती है। चेन जब ये बनती है तो पूरा ये एक चीज जो है वो ट्रेंड में आ जाती है। फैशन डिजाइनिंग का एक सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो फैब्रिक पेंटिंग भी है। फैब्रिक पेंटिंग जो है वो पहले जमाने में इस्तेमाल की जाती थी जब डिजिटल मशीन जो है वो नहीं होती थी, जब डिजिटल प्रिंटिंग जो है वो नहीं होती थी, तब फैब्रिक पेंटिंग जो है वो यूज की जाती थी। लेकिन अगर आप आजकल देखें तो मार्केट में सबसे ज्यादा सिल्क पेंटिंग वाले दुपट्टे जो है वो आपको नजर आते होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई रेटेड हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप एज अ फैशन डिजाइनर एक ट्रेंड को सेट करने वाले होते हैं। आप ये मत सोचें कि जी जो चीज ट्रेंडिंग में मैं वही चीज उठाऊं तो ही मैं जो है पॉपुलर हो सकता हूँ या मेरी चीज जो है वो आगे सेल हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। आप जो है आप एक चीज को अवेल करेंगे, आपको देख के कोई और अवेल करेगा, उसको देख के कोई और अवेल करेगा, इसी तरीके से एक ट्रेंड बनता चला जाएगा और आप एक ट्रेंड सेटर बन जाएंगे। इसके अलावा हमारे डिजाइनर्स के अंदर एक बहुत बड़ी चीज जो है वो पाई जाती है, जो कि न्यू डिजाइनर्स हो, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स जो है वो हमारे जब इस फील्ड के अंदर आते हैं, फैशन फील्ड के अंदर आते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं, तो उनको ये चीज होती है कि जी जब हम क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट करें तो हमारी क्वालिटी अच्छी हो लेकिन हमारी अमाउंट कम हो, यानी हम प्राइस कम लगाएं ताकि लोग ज्यादा आए। तो मैं आपसे ये चीज कहूंगी कि अगर आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं तो आप अपनी प्राइस को भी हाई रखें। आप इस चीज से मत डरें कि जी मैं प्राइस हाई रख रही हूँ, तो मैं प्राइस हाई रख रहा हूँ तो मेरे पास कस्टमर नहीं आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके प्रोडक्ट की जो पहचान है वो प्राइस से नहीं बल्कि क्वालिटी से होती है, ये बात ध्यान में रखें। अगर आप 1 लाख रुपए का एक ड्रेस देख रहे हैं और आपको 1 लाख रुपए का ड्रेस पसंद आ रहा है, लेकिन आप जाकर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप वो उसकी प्राइस हाई की वजह से आप उसे अवेल कर लेंगे, या फिर आप ये देखेंगे कि यार इसकी क्वालिटी कोई है ही नहीं? अगर तो कोई चीज जिसके अंदर क्वालिटी बेस्ट है, फिर चाहे वो 1 लाख रुपए का भी है, लोग आपसे लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपकी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो बेस्ट होनी चाहिए। अच्छा जी, तो हमने तो यहाँ तक तो बात कर ली कि आप अपने ब्रांड को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, फैशन बिजनेस को कैसे स्टार्ट करो, किन किन स्किल्स की जरूरत है, किन किन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए। हमने प्राइसिंग की बात करी, ठीक है, हमने उसी तरीके से ट्रेंड की बात करी, हमने रिसर्च की बात करी, हम एक मेन फैक्टर भूल गए जो कि अक्सर लोगों को होता है कि वो ब्रांड बना भी लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं अपना काम, लेकिन उनके ऑर्डर्स नहीं आते, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ तक ही देखा है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो जी मैं आपको एक मेन की बताने वाली हूँ ऑर्डर्स लाने के लिए। आजकल आप देखते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा ऑनलाइन जो है वो स्कैमर्स फैले हुए हैं, बहुत ज्यादा फ्रॉड फैला हुआ है। आप अगर एक रेड कलर की चीज मंगवाते हैं तो आपको ब्लैक कलर की चीज मिल रही होती है। आप लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ तो कॉमेंट में यस लिखिएगा। इसीलिए आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो चुका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर।
जब लोगों के साथ इतने बड़े बड़े ब्रांड्स उनके साथ फ्रॉड करते हैं तो उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि यार हमने ऑनलाइन जो है शॉपिंग करनी। तो आपको मेन की जो है वो ऑर्डर्स लाने के मेन की जो है वो है ट्रस्ट डेवलपमेंट। जब तक आपके कस्टमर्स को आप पर ट्रस्ट नहीं होगा, आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक वो आपसे कोई चीज परचेज नहीं करेंगे। अगर आप अपने कस्टमर्स पर ट्रस्ट डेवलप करने में कामयाब हो गए तो आपके ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका बिजनेस जो है वो रन करना स्टार्ट कर देगा, आपका बिजनेस जो है वो ऊंचाइयों पर जाने लग जाएगा। लेकिन ट्रस्ट के लिए भी आपको वही बात आ जाती है कि आपको अपनी क्वालिटी बेटर रखनी है। आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि आपने बेमानी नहीं करनी। वो कहते हैं ना, नियत साफ तो मंजिल आसान। तो आप अपनी नियत को साफ रखें। आपने कभी भी ये नहीं अपने दिमाग में रखना कि मैंने इस बंदे के साथ फ्रॉड करना है जी, मैंने इसके साथ एडवांस पेमेंट ले लेनी है और इसको ये आर्टिकल ये प्रोडक्ट पहुंचाना ही नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको जो टिप दूंगी वो यही है कि आप डिफरेंट जो है मॉडल्स के साथ, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करें। कोलैबोरेशन से जो है वो भी आपके कस्टमर्स पे जो है वो ट्रस्ट डेवलप होता है और इससे आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कोलैबोरेशन के अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल की बात आ जाती है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, आप किस तरीके से मैसेज सेंड करते हो, मेल सेंड करते हो कोलैबोरेशन के लिए। तो जी, हमने कुछ फैक्टर्स को देखा, कुछ चीज़ों को हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस के अंदर वो चीज़ें वो डेवलप कर सकते हैं और फिर अपने फैशन बिजनेस को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और सिर्फ स्टार्ट ही नहीं कर सकते, उसे बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। मुझे यहाँ पर हमने देखी है एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कि किन स्किल्स की ज़रूरत होती है, किन चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए, अपने नज़र के सामने रखना चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे जो कि लाइव सेशन में भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने करने थे, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि लाइव सेशन जो है वो हमें एंड करना पड़ गया था क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा था। तो एक क्वेश्चन जो है मुझसे किसी ने पूछा था कि मेरे पास जो है वो फैब्रिक भी अवेलेबल है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास जो है वो फैब्रिक भी अवेलेबल है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी अवेलेबल है, लेकिन मैं जो है चाहता हूँ कि मैं स्टिच आर्टिकल्स जो है वो सेल करूँ, मेरे पास आइडियाज नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं उनको यही जवाब देना चाहूँगी कि आप जो है रिसर्च करें। आप सबसे पहले, आपको तो बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए ऑफकोर्स, आप रिसर्च करें सबसे पहले। सेकंड नंबर पे आपको फैशन सेंस का पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आपको डिज़ाइनिंग का पता होना चाहिए। अगर आपको इन तीन चीज़ों के बारे में पता लग गया, आप आइडिया डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे और आपका जो काम है वो स्टार्ट हो सकेगा। जो आप काम करना चाह रहे हैं उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। तो जी, यहाँ तक तो बात की हमने डिफरेंट स्किल्स की, फैशन बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे लेके चलना है। इसके अलावा हमने जो है अपने जो क्लाइंट था उनके भी हमने आपको जवाब दे दिया है। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग फैशन डिजाइनिंग फुल कोर्स सीखना चाहते हैं जिसमें तमाम के तमाम फैक्टर्स आपको सिखाए जाएंगे, एलिमेंट्स प्रिंसिपल से लेकर ड्रेपिंग, स्टिचिंग, कटिंग तक आपको तमाम फैक्टर्स, आपको तमाम जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल पार्ट्स हैं वो आपको सिखाए जाएंगे, अगर तो आप इस कोर्स में अवेल होना चाहते हैं, इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल जो कि AS Collection इस्लामाबाद के नेम से है, आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट कोर्सेज हम लोग करवा रहे हैं जो कि बेसिक कोर्स भी है, एडवांस कोर्स भी है। बेसिक कोर्स में आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी, लेकिन एडवांस कोर्स में आपको तमाम की तमाम फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप डिज़ाइनिंग की स्किल्स सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि लाजमी आप हमारे चैनल को विजिट करें। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप हमसे रब्ता, आपके दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो। उसके अलावा अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है चैनल में हमारे कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए भी आप रब्ता कीजिए हमसे हमारे नंबर पर, तो हम आपको प्लेलिस्ट जो है वो अपने सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।